एक कहावत है, करे कोई भरे कोई। आज बिजली विभाग का एक ऐसा ही कारनामा हम आपको बताने जा रहे हैं। बिजली विभाग के कारनामे से आए दिन बिजली उपभोक्ता परेशान होते रहते हैं। इसे विभाग की लापरवाही कहें या कि अपने उपभोक्ताओं के प्रति उदासीनता, कि अक्सर आम जनता ही इसमें पिसता है। और एक अच्छी खासी सरकारी सार्वजनिक संस्थान जो अब धीरे धीरे कर प्राइवेटाइजेशन की जद में आता जा रहा है, लेकिन सिस्टम है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला जिले के तहसील प्रखंड से जुड़ा है, जहां मंझौली, गुरहा और परसावा के 200 ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ विधायक पर अपनी भड़ास निकाली। दरअसल ग्रामीणों को बिजली कनेक्शन लेने के 10 वर्ष बाद जब 21,000 का बिजली बिल थमाया गया तो उनके होश ही उड़ गए। बिजली विभाग बिल नहीं जमा करने पर ग्रामीणों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी तैयारी में है और मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की भी चेतावनी दे रहा है। इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। इस मामले को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने बिजली विभाग के तानाशाही रवैये के खिलाफ पांकी विधायक के आवास का घेराव किया और विधायक से इसके निदान की मांग की। आदमी है, मान के कमाना खाना है, हम लोग का BPL का मिला था 10 रुपया करके, हैं। और उसी बीच में हम लोग का मिल गया। आज तक हम लोग के यहाँ कोई नोटिस नहीं, कोई रसीद नहीं मिला। और एक बैग हम लोग का 21,700 रुपया आ गया। हम लोग गरीब आदमी हैं, किसान वर्ग का है, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, एक ही आपका सहारा है। मुझे गरीबों का मरसिया बन के आप जरूर सुने। मैं आशा करता हूँ कि सरकार मेरी कहानी जरूर सुनेंगे। इसलिए बिजली अलग हम दिलन तहिया कि यहाँ से फ्री मिले बा, अथी तो ले ली बोर्ड आ बोर्ड दिलन तो बोर्ड के झोला में रखल बा, हम कहो दिया अथी दिलन है आ कुछ दिलन नहीं, रखल रखल होला तो सब बेटा बेटी छोटा छोटा हलन तो कहलन कि सब प्राइवेट वाला ले लेबे थे वो बिजली बरते नखे, तब ये बिजली ले लन तो एक बिल भरे थे। अब पुरनका के हम BPL वाला हलन तो हम तो देवे नहीं दिलन ने हम के एक भाई का दे कि जैसे अथी 21,881 रुपया दे दिल हम खाए के ठेकाने के, तब वहाँ कहाँ से भरिए। दरअसल आज से 8-10 साल पहले गांव में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत बिजली पहुंचाने की तैयारी की गई थी। कनेक्शन के नाम पर ग्रामीणों को बिजली मीटर भी दिया गया था, लेकिन गांव में बिजली नहीं जली, पोल पर तार तक नहीं लगे। अचानक एक दशक बाद एक साथ 21,000 का बिल भेजा गया, जिसे देखकर सभी अचंभित हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिन लोगों को बिजली बिल थमाया गया है उनके घरों में इन दिनों टाटा कंपनी का बिजली मीटर लगा हुआ है, वे सभी बिजली जलाते हुए नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान भी कर रहे हैं। इधर श्री केदार गांव के उदय भारती ने भुक्तभोगी ग्रामीणों के बिजली बिल को माफ करने की मांग की है, साथ ही कहा कि बिजली विभाग के तानाशाही रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर उनकी समस्या का निदान नहीं हुआ तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करने को भी बाध्य होंगे। इधर विधायक आवास पर प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं के निदान के लिए 27 दिसंबर को तहसील प्रखंड कार्यालय परिसर में एक शिविर लगाया जाएगा। इसमें बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ समझौता कराने की कोशिश की जाएगी। अब देखना है कि क्या विधायक की बात बिजली विभाग मानता है या कि ग्रामीणों को बिल का पूरा भुगतान करना ही होगा। लेकिन जो भी हो, आपके भी होश जरूर उड़ जाएंगे अगर 10 साल बाद आपके भी हाथों में थमा दिया जाएगा 21,000 का बिल, क्योंकि बिजली विभाग में इस तरह के कारनामे इन दिनों खूब हो रहे हैं और इस मसले पर विभागीय पदाधिकारी एक दूसरे पर ठिकड़ा फोड़ अपना पल्ला झाड़ ले रहे हैं।